बेटे मेरे ने उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाल दिया है घरों। मैं तो किराए पे बैठी हूँ, क्योंकि मैं काम करे नहीं घर है। 6,000 रुपया मेरे को देना, 3,000 रुपया किराए दा, 3,000 रुपया उन्होंने क्या खर्चा करा। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाज़रीन, ये अम्मा जी का घर है जिस पे वो किराए के मकान में रहती हैं। आए इनके घर देखते हैं, इनकी बच्ची से मिलते हैं और इनके हालात पूछते हैं। आज है अम्मा जी, ये किराए का मकान है? हाँ जी, किराए का मकान है। नाज़रीन, अम्मा जी के घर पहुँच गए हैं, इनकी बच्ची भी हमारे साथ बैठी हुई है। आए अम्मा जी से बात करते हैं और इनसे इनके हालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5। कितने बेटे बेटी हैं? 2 बेटे, 3 बेटियां। 2 बेटे और 3 बेटियां? जी हाँ। और बच्चे आपके किधर हैं? मुजफ्फर गार्डन। आपको बेटे ने बेटे अपने साथ नहीं रखते? मेरे बेटे जन ना मैं को नाल नहीं रखते, मेरे बेटे वडे ने मैं को मारा, मैं को निकाल दिता ऐसी घरों। और बेटियां? बेटियां मैं एक मुजफ्फरगढ़ शादी हुई है, एक इतना ही शादी हुई है, भी मेरे नाल बैठी है, इनकी शादी करनी है। मैं ताकि मैं काम करे नहीं घर है। 6,000 रुपया मेरे को देना, 3,000 रुपया किराए दा, 3,000 रुपया उन्होंने क्या खर्चा करा। मैं वो सुबह से लेके शाम तक आप शाम को मैं आनी है, तकरीबन 5 बजे 4 बजे मैं आनी है। और ये बच्ची आपकी घर पे अकेली होती है? ये कई मिले अकेली होती है, कई मिले बहन घर चली जाती है। तो ये आपकी दीवारें भी नहीं है, मकान किराए का है? ये तो किराए का मकान है ना, दीवारा भी नहीं दे देने मेरे को, वाशरूम ना बनवा देने। मैं 3 महीने 12 बजे रहना जहाँ से ये हूँ बाथरूम बनवा दी तेने, तो पहले हाई भी कहना। हुकूमत की तरफ से कभी कुछ नहीं मिला? कभी कुछ नहीं मिला बाजी मेरे को, कहीं मेरे को करने दिता। बाकी बेटे मेरे ने उन्होंने मेरे धक्के मार के निकाल दिता है घरों। मैं तो किराए पे बैठी हूँ। मैंने देखा है कि मकान जो किराए पे भी मिला हुआ एक मकान है, उसकी तो दीवारें नहीं है, ये जवान बच्ची है। आज हालात आप देख रहे हैं माशरे के। कई मेले शुद्धी था अकेली पही रही, कई मेले भेड़ घर चली वी है। जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? उनको ये पैगाम दे, मेहरबानी तुम्हारी जरा ना मेरे बच्ची ने फर्ज अदा करने और मैं को घर बना दे, मैं जहेज दे, मैं जो उन्हें मेहरबानी थी सके उन्हें बच्चियों को दुआ करे सा। नाजरीन, मैं ये हैरान हूँ, ये ऐसे लोग ऐसे हालात में कैसे अपना गुजारा करते हैं? यकीन माने जवान बच्ची है, मैंने देखा है मालिक मकान कैसा है, उसकी दीवारें नहीं है, यकीन करे आधी आधी हाइट जितनी दीवार है, हर तरफ दीवार ही कोई नहीं है, वॉशरूम बस ऐसे दीवार बनी हुई है, खड्डा खोदा हुआ है। और वो भी बेचारी से 3,000 रुपए लेते हैं, 6,000 रुपए पे। मैंने ये नहीं, मैं ऐसी किसी की वीडियो बनाती, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं सोचती हूँ समझती हूँ और तभी किसी की वीडियो बनाती हूँ। ऐसे पागलों की तरह मैं किसी की वीडियो नहीं बनाती। ऐसे लोग, ऐसे हकदार लोगों को अल्लाह अल्लाह के रसूल रसूल की आल भी राजी होती है। ये गरीब औरत है, किसके सामने जाके रोए? जवान बेटी लेके बैठी है, बेटे ने मार कुट के घर से निकाल दिया, कोई बेटा पूछने नहीं आता। मैंने आस पड़ोसों से पता किया तो वो कहते हैं ये बेचारी सारा दिन घरों में काम करती है, जवान बच्ची घर छोड़ के जाती है, वो तब जाके कुछ ले आती है। 6,000 रुपए, कभी 5,500 रुपए, इनको इतनी उर्दू नहीं आती, सराकी लोग हैं ये, वो इलाका है, वो हकदार लोग हैं पंजाब के, यहाँ कोई गवर्नमेंट कोई हुकूमत नहीं आती। ये मन जिंदा है, मर गए हैं, इनका पूछने भी कोई नहीं आता। ये गरीब लोग है, यहाँ कोई फैक्ट्रियां नहीं है, यहाँ कोई कारोबार नहीं है, ये लोग कोई काम कर सके, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों के इलाज पूरे करें, बच्चों के घर के इलाज पूरे करें, अपना पेट पालें। जवान बच्ची है इसकी बैठी हुई है, कोई दहेज के पैसे नहीं है, क्या करे, किसके पास जाए? ये भी किसी की माँ है, ये भी इस पाकिस्तान का हिस्सा है, इस माशरे का हिस्सा है। खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर किया करें, इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और दूसरी बात, ये ऐसे लोगों का सहारा बने,
अल्लाह अल्लाह के रसूल रसूल की आल भी राजी होती है। अब देखने वालों बहन भाई वो क्या कहना चाहती हो, मेरी अंदाज करा दे, मैं घर बनवा दे, मैं मेरी धी दे जायज दे दे, मैं ताकि मैं शादी करनी है, मैं मिला नहीं सकती, जवान बच्ची है, ताकि मेहनत दे दर्द जाग दमी हूं तो मैं नहीं मिला सकती। मकान की आसपास दीवारें भी तो नहीं है जी, आसपास दीवारें भी नहीं है, छोटी छोटी दीवारें हैं, मैं काम करण वे नहीं हूं, तो मैं पिस्ते जी मेरा पिस्ते टंगिया रहने है, मेरी बेटी के की में बैठी है, ताकि लोग गाल ही ना करें मेरी बेटी थे। नाजरीन नाजरीन ये सफेद पोश लोग होते हैं, ये बड़ी मुश्किल से कैमरे के सामने आते हैं, वो कहती है मैं काम करती, मेरा जी टंगा रहता है, मेरी जवान बच्ची है, बहन कब तक अपने घर बिठाएगी, उसके बाद दीवारें बहुत छोटी हैं। खुदा के लिए इन लोगों की मदद किया करें, मैं ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकती हूँ। आए इनकी बच्ची है, इनकी बच्ची से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपका क्या नाम है? बुशरा बख्तावर। स्कूल गई हो? नहीं। क्यों नहीं गई? कभी इतना गुंजाइश नहीं हुई। और देखने वाले बहन भाइयों को क्या कहना चाहती हो? बस इतना कि मेरी अम्मी के पास कुछ नहीं है, मेरी अम्मी को ताकि कुछ दें और मेरी शादी मेरी अम्मी कर दें, मेरी अम्मी मुझको खिला तो नहीं सकती पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी खिला नहीं सकती, बिल्कुल सही कहा, बूढ़ी माँ है कब तक आसरा बने। वो ये कहती है कि मेरी अम्मी शादी के लिए परेशान है, इज्जतदार बच्चियां हैं कि हमारी इज्जत से हमारी माँ अब हमारा फर्ज टाल दे। मैं देखने वाले बहन भाइयों से इतनी गुजारिश करूंगी, खुदा के लिए ऐसे लोगों का सहारा बने। नाजरीन मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ, मैं इनकी आवाज बन सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैं दूसरे चैनलों की तरह नहीं कि लोगों के दुख सुना के बस अपने चैनल को हिट करना है, खुदा के लिए इसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे सफेद पोश लोगों की मदद हो सके। और मेरे एक अच्छे बहुत अच्छे भाई हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है कहाँ से आए हैं, मेरे मैं बस ये कह सकती हूँ फरिश्ते की तरह, उन्होंने बताया भी नहीं, कभी कोई मैसेज भी नहीं किया उन्होंने कि कौन है, उन्होंने ना व्हाट्सएप पे बताया ना कॉल पे। उनका नाम एहसन यास्मीन है, एहसन यास्मीन है, उन्होंने 2000 रुपये दिए हैं वो अम्मा जी को, जितना मुझसे हो सकता है। मैं और भी बहन भाइयों से यही गुजारिश करूंगी कि इन लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों का सहारा बने। एहसन यास्मीन है मेरे भाई, उन्होंने पैसे दिए हैं, ये मैं देने जा रही हूँ। ये अम्मा जी उनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, अल्लाह उनको कुदरे दे, वे मेरी मदद कर दे, मेहरबानी हो सी तुम्हारी, मैं बच्ची दिन फर्ज अदा करने बस। ये मेरे भाई हैं एहसन यास्मीन, उनकी तरफ से मैंने इनको दिए हैं। और भी भाइयों से इतनी गुजारिश करती हूँ, आज इतनी पाकिस्तान में महंगाई है, ऐसे लोगों का सहारा बने। बच्ची की शादी करनी है, घर मकान अपना नहीं है, कब तक माँ बूढ़ी बैठी रहेगी? खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर किया करें, इस चैनल को लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपकी मदद से इन लोगों की मदद हो सके। अल्लाह निगेबान।